Lots and lots of Pakistani fans in the house today. Remember, it's the last game here in Lahore. जी क्या कहेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में आज जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया बांग्लादेश को? सर मैंने सबसे पहले कि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया मान चुकी है इस टाइम, तो जैसे हारिस ने किया है, शाहीन ने किया है, नसीम शाह ने किया है, तो बॉलिंग के हवाले से पाकिस्तान नंबर वन जा रहा है और बैटिंग के हवाले से इस टाइम बाबर आजम और टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस देखने, बाबर आजम की, रिजवान की देखने, तो माशाल्लाह वो नंबर वन पे जा रही है। हारिस रऊफ की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे आज जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई? पहले तो हारिस रऊफ को कोई नहीं था मानता, अब तो उसने, रोहित शर्मा ने खुद बोल दिया कि हमारे पास नसीम, शहीन और हारिस रऊफ जैसे बॉलर नहीं है जिनसे हम प्रैक्टिस करें, हमारे पास जो जो है हम उनके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं और स्टेडियम में आ जाते हैं मैच खेलने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने फिर से जल्दी विकेट ली जिस तरह से वो लेते हैं, क्या कहेंगे कि उनकी, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान? मैम शाहीन मेरे ख्याल से कि न्यू बॉल से जो परफॉर्मेंस दे वो आउट क्लास परफॉर्मेंस है, और हारिस इस मैच में हारिस भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन शाहीन न्यू बॉल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अच्छा ये बताएं क्या लगता है ये टारगेट चेस डाउन हो जाएगा जो टारगेट है, और कौन की परफॉर्मेंस कौन होंगे? इंशाल्लाह टारगेट चेस हो जाएगा, मे भी लगता है कि ये फखर जमान ही सारा टारगेट चेस कर जाएगा, जो लाहौर कलंदर का पेड भी है और लाहौर की विकेट है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जल्दी चेस कर जाएगा। एशिया कप कौन जीतने वाला है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान।